सारे कामों से सदव्रत निवृत है भैया। सबरी 90 साल की उम्र में पहुंच गई। जब 90 साल की उम्र में पहुंच गई, इधर भगवान श्री राम, देखना भैया, भगवान श्री राम सबरी के आश्रम की तरफ चले। तो जब भगवान को दूर से आते देखा, वो अति निगाह तेज नहीं है जो भगवान का पहचान सके। तो दूर से क्या देखा कि एक गोरा गोरा है और एक सांवल। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी देखो दृष्टि उठाई। एक श्यामल शरीर में, एक गौर शरीर में सबरी ने निगाह देखा तो आज पहचान गई। ए जौन आदमी अपने सेवक बनकर के और अपने भगवान को ना पहचान सके तो उसमें फिर अंतर क्या है। सबरी पहचान गई कि ये गुरु जी के वचन में हमारे भगवान आए हैं। आगे ठड़ी हो गई भैया, हाथ जोड़ी आगे भाई ठाड़ी, आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। प्रभु मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं। भगवान बोले कहो। तो सबरी ए सब कुछ छिपाना, लेकिन दुनिया में दो चीजें कबहो न छपायो। कौन? नंबर एक, शरीर में यहां मर्ज होए तो डॉक्टर से ने बतावे ना शरमायो, डॉक्टर से ने बतावे ना शरमायो। नंबर दो, बिरादरी जौन हो वहां बताओ, बिरादरी ना छपाओ। तो सबरी क्या कहती है, प्रभु बाद में ना कहो जान नहीं पान, मैं बहुत गिरी हूं। अधम ते यधमो यधमो अति नारी, अधम ते यधमो अधमो अति नारी, अधम ते यधमो अति नारी, अधम ते अधमो यधमो अति नारी, तिन मामे मति फर्स्ट सेकंड थर्ड अधम ते अधम अधम, तीन कारणों से गिरी हूं। ओके भैया, याग जिगा पर अधम लिखा होत तो लोग अपमानित करते हो। सबरी अपने मुझसे कहती कि मैं तीन बार अधम हूं। अच्छा, तीन बार अधम काहे कहा मालूम? तीन बार अधम क्यों कहा इसका कारण हम बता दें। पहला कारण है, सबरी अधम अपने को इसलिए समझी कि मेरी जवानी तो चली गए छपरे मैया, मैं शादी नहीं कर पाई, मैं कुंवारी हूं। नंबर दो, अधम हूं इसलिए एक गुरु जी हमारे थे, वह हमका अकेले छोड़ के यहां चले गए। नंबर तीन, मैका तो है लेकिन घर से भाग गया है, अब कौन मुंह लेके मैके जाए। तीन प्रकार से कहा भगवान को। सबरी जाकर बढ़िया चटैया पर बैठाया, अब सोचा लाओ भगवान कुछ खवाई। और यह कहावत कहते हैं, भूखे मैया ब्यार और अघान्य मैया गन्ना, और बिना पढ़ा ज्यादा लौटे पन्ना। जो कोई बहुत पढ़ा हुई तो देखे भाई, वो अखबार पढ़त हो तो चुप्पे ले बैठ रहते, वो घुआका करते को मरा को कहां जिया। और जो कोई नहीं पढ़ा तो कहा कहें। आज विमान जा रहा था, उधर से मच्छर आ रहा था, लड़ गया तो मच्छर के टक्कर से जहाज पलट गया। मतलब तेज पढ़ती के मैंने तीमा जाने की, हाँ अखबार पढ़ लेते हैं यूजफुल लगे। भूखे खूब हो अगर खूब ब्यार खाए लो
आपका पेट खराब ना होई। सबरी ने सोचा कि भगवान भूखे हुए हैं, ब्यार क्यों लाई भगवान के सामने। बैर का स्वागत इसलिए करती है कि हमारे भगवान भूखे हुए हैं, अब अगर ब्यार खवा दे तो पेट ना खराब हो, चूरन काम करते भैया। ब्यार तुरंत भगवान को बैठाया, ला के ब्यार झवैया भर रख दिया, प्रभु यह खाओ। भगवान ने जब देखा बेर खाली ब्यार है, फिर भी थबरी को धन्य बोलने लगे, देवी तू धन्य, आशीर्वाद पहले दे रहे, भोजन बाद में खा रहे, तो ये धन्य है बेलनिया धन्य सवेरी, तो ये धन्य है बेलनिया धन्य सवेरी। प्रभु घर आएगे खातिर करे बनाई, रिश्तेदार जब दुआरे आवे, ए रिश्तेदार जब दुआरे आवे तो झूठ मूठ मारे दौरिया दौरिया खूब फिराओ और दुआरे चिल्लाओ खूब, ए मौसी आवा चाय बनाओ जल्दी चाय बनाओ, झरपट मारो कम घसीटाओ ज्यादा, चिल्लाओ खूब और घर में जाओ तो कह दो चाय बनायो भाई ना। सबरी दौरी दौरी घूमे भैया, और एक बात और है, जब रिश्तेदार आए जाते हैं और जब कोई मारे हमारे स्वागत हम लाग जाते, खूब दौरा दौरा घूमे लागत, तो जो चाहते यार बहुत बढ़िया आदमी है यार, और जब कि जो कथरी रहा है वह उठा ही लेगा, लेकिन कहा मतलब वो दौरा दौरा घूम रहा है ना। सबरी दौड़ गई तुरंत बेर ला के रख दिया। अब इत्र पर हमारे गुरुजी कहते मनमा स्वाचय दूनो भैया, अब के भैया जब राम जी इतने अंतर्यामी हैं और सबरी के मन की सोचते तो लक्ष्मण सोचती राम कहे सोचती, तो राम कहे सोचनी यह समझ गए, और ए और सोच बराबर भगवान राम है ब्रह्म लक्ष्मण है शेषा उतारी और बराबर साथ रहते हैं, लेकिन राम का सोच अलग है और लक्ष्मण का सोच अलग है। लक्ष्मण का सोच और है, कौन सोच है लक्ष्मण का सोच यू है कि या जात के पास लाग ब्याधर हम तो छूत खाब नहीं भाई, और राम का सोच यू है कि ब्यार हम खाए और हमारे लक्ष्मण खाए। इत्र पर याक बात आपको अब है मिली बिल्कुल कि लक्ष्मण जी के शक्ति किसने मारा था भैया, हाँ मेघनाद ने। लक्ष्मण जी के
शक्ति मेघनाथ ने मारा था। अब यह बात सत्य करे कहे कि लक्ष्मण जी के शक्ति मेघनाथ ने मारा था, या यू समझ लो कि लक्ष्मण जी के शक्ति राम ने ही मारा था। और तब हो भगवान राम, और जबकि राम जानते हैं कि लक्ष्मण है शेषा उतारी मरी है ही नहीं, तो कहे रावर राय लक्ष्मण जी के शक्ति राम ने मारा, काहे बद गए, लक्ष्मण से बदला लिया था। अच्छा बदला काहे लिया, लड़का हमार मांदा है बुखार हो है और दवा ले आए डॉक्टर खुश, कोई क्या जो नहीं चाहत हो दवा खाए, लेकिन बीमारी खाए परवे करी। अब लड़का कोई कोई दवा नहीं खात भैया, तो जैसे दवा नहीं खात तो के रुपया लाग है 30, तो दवा तो खाए परी, नीकेम खा लो तो ठीक, नागम खाओ तो ठीक। बहुत लड़का दवा नहीं खा तो कहीं पकड़ो है कि हाथ पकड़ो है, तो एक जना हाथ पकड़े तो माँ टांगे हिलावे परी है, बड़ 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 कहीं के घोड़ो पकड़ो। तब हो कोई कोई लड़का देखो मुहिमा ना जो तो गलगला न करते, तो कहीं एक काम करो यू एयर ले रहा है, दवा नहीं घसीट रहा के मारे, क्योंकि नाक से ने सांक ले तबर बलबल आ रहा, तो कहीं कि ना धुआं रो दाब दियो, तो जब धुआं रो दाब दे तो भैया घोटा एक परी। सबरी देख यह क्या अर्थ बतावे हम का है, सबरी देखा प्रभु घर आए खातिर करिश बनाई, जूठे बेर लाए डलिया मा प्रभु के धरे वगारी, मनमा स्वाचे दूनों भैया। राम जी सोच रहे हैं कि ब्यार खाब, और लक्ष्मण सोच रहे हैं कि हम नहीं खाब, यह वह दोनों सोच रहे हैं। भगवान बेरन गई हाँ, जब झांका तो उमा रस तो कम, ए ब्यारन हो कत्ता गुदा होते सब हाड़ वाय खट खट होते। अच्छा खूब ब्यार भूखे हो तो चाहे हम कह जाए झौवा खाण ब्यार खाए जाओ, का किलो भर गुदा निकरी हो, हाँ उठली कुठली सब दरदरावे लागो, तो हो सकत कुछ कामयाब हो जाओ। भगवान जब बेर देखा तो भैया अतना वही ब्यारन में यहाँ प्यार भरा है कि वही के अंदर के गुठली सब गुदा ही हो गए, चाहे पढ़ के देख लो रामायण, गौर से पढ़ना तब समझ में आएगी बात, ऊपर चौपाई में नहीं है अंदर घुस के देखना, अतना उसमें प्यार भरा है कि जौन के अंदर हाड़ रहा है खट्ट खट्ट वाला वो सब गुदा होगा। तो भगवान जब देखें कि सब गुदा होगा तो अब भगवान भैया उठाया बेर, भगवान ने सोचा ये ब्यार खाई तो भगवान ला खाए। अब भजन ये यहां भजन को आधा घंटा लगे, प्रेम भरे बेरन को प्रभु ने लीन भोग लगाई, भगवान लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण तुम काहे नहीं खाती हो, तुम हूँ खाओ, या लक्ष्मण के परीक्षा रहे, और ये तो लक्ष्मण फेल होएगे जो कहना है भैया हमका वह भक्ति दे दो जौन भक्ति कई कई लोग तर जात, तो भगवान बोले लक्ष्मण खाओ। अब भगवान के री बात का यहाँ काटना भी असंभव है, तो लक्ष्मण जी बेर ले लें लेकिन दिमाग हम छोप घुसा कि हम नहीं खाब, तो झूठ मुए जौन दरुहा होशियार होते वो बरुआ पर बैठे थे, बरुआ पर जब वो पिए लागल गल 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 तो बरुआ में ना हो लाग, और बरुआ तुरंत है सोख ली हिस मार दिन लात बिद गए, अब उनते ज्यादा उडौन वही रहा का मोबाइल छनैया, और जब वो डाउन हो गए तो उनका मोबाइल लेके गवा भागे। भगवान जब बेर खाए लाग तो लक्ष्मण बेर ले ले और खाए का मुंह बनावे मुंह, और बेर जब जाने भैया देख नहीं रहे तो लक्ष्मण पछे बेर गम्मत दे बाएंगे, और भगवान के रिया का निगाह वैसे कि यो बेर देखो बहेंगे रहो लक्ष्मण, हे लक्ष्मण
यो बेर बैंग रहे हो इका प्रायश्चित भाग एक परी या तो उठाए न होते हो। प्रेम भरे बेरन को प्रभु ने लीन भोग लगाई, पहुंचे पर्वत वाली चोटिया धन सवेरी, पहुंचे पर्वत वाली चोटिया। लक्ष्मण जूटे बेर समझ के यहाँ पाछे फेंक दे, वही ब्यार भैया पीछे नहीं गिर रहे हैं, वही द्रोणागिरी पहाड़ पर गिर रहे हैं। भगवान ने लक्ष्मण से प्रत्यक्ष नहीं कहा, लक्ष्मण जी को श्राप दे दिया, ए लक्ष्मण, ए लक्ष्मण तुम मेरे भक्त का अपमान कर रहा, लक्ष्मण इसका तुमको प्रायश्चित भागक परी। जाओ लक्ष्मण, हम अपने भक्त का बदला ना लिया तो मेरा नाम राम नहीं। भगवान बेर खाए पी के फिट भय, भगवान सबरी को बुलाया, सबरी से कहा, देवी अब प्रसाद हम तुमका कहाँ दे दे। सबरी बोली, प्रभु हमका जौन दे हो तौन दे ले ले। तो भगवान ने सबरी को नौ प्रकार की भक्ति बताया। प्रथम भगत संतन का संगा, दूसर रत्मम कथा प्रसंगा, और गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत यमान। पहली भक्ति है भगवान की कथा, और दूसरी भक्ति है सत्संग करने में, तीसरी भक्ति का फल मिलता है गुरु जी की सेवा करने में, और चौथी भक्ति मिलती है जो भगवान को निष्कपट भाव से भजन करे, और पांचवी भक्ति मिलती है जो गीता पुराणों में श्लोक लिखे हैं, श्लोक पर विश्वास करें, और छठे नंबर की भक्ति माला रोज जपो, चाहे तकलीफ हो चाहे आराम हो, दुखमा भूलो ना सुखमा मार फूलो ना, है ना। जब दुख पड़े तो भगवान को भूलो ना, और सुख मिल जाए तो भगवान के यहाँ, दुखमा ना भूलो ना सुखमा फूलो, भगवान का नाम रोज लियो सांस सवेरे, ठाड़े बैठे परे उताने, राम भजे ते परे सयाने। भगवान का नाम चाहे जैसे जपो लेकिन नाम लेना चाहिए। ऐसे करके भगवान ने नौ प्रकार की भक्ति बताया। तो सबरी बोली, प्रभु अगर इमायाग भक्ति कम है तो भगवान ने कहा, नौ भक्ति में इससे जी के याकव भक्ति है, वही का उतने पुण्य मिली। नौमा जिनके याकव होई नार पुरुष सचराचर कोई,